हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले और बहुत ही आसानी के साथ आपको मिलते रहें। तो अगर आप भी मार्केट वाले महंगे टेस्टी यमी यमी राजभोग को मिस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मिस मत करिए। इसे आज हम घर में तैयार कर रहे हैं, बहुत ही इजीली ये घर में तैयार हो जाएंगे। तो बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, तो आप कभी भी इन मिठाइयों को ट्राई कर सकते हैं। लेडीज़ लोगों के लिए तीज आ रहे हैं, करवा चौथ आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, तो आप इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। और इन त्यौहारों में किसी न किसी दिन आप इस टेस्टी से राजभोग को जरूर बना के देखिएगा। बहुत ही इजी तरीके से, बिल्कुल मार्केट जैसे ये तैयार हो जाएंगे। बहुत ही कम सामान, कम मेहनत और कम लागत में इतनी महंगी मिठाई आप घर में तैयार कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी राजभोग बनाने की। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखिए बहुत ही स्पंजी तैयार हुए हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, इनके चाशनी को हम बाहर भी निकाल पा रहे हैं और छोड़ने के बाद ये वापस से ये देखिए इस तरीके से फूल जा रहे हैं और ये बहुत ही आसानी के साथ घर में तैयार हो गए हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, अंदर भी हमने स्टफिंग की है। तो इस टेस्टी से मिठाई को चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। राजभोग बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है पनीर, ये 1 कप पनीर है, इसे हमने घर में तैयार किया है। घर में आप किस तरीके से सॉफ्ट छेना यानी पनीर तैयार कर सकते हैं इसका वीडियो हम आपके साथ पहले भी शेयर कर चुके हैं और आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप घर में सॉफ्ट छेना यानी पनीर तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने यहाँ पर लिया है 1.5 कप शुगर, तो 1 कप शुगर हमने अलग और 1/2 कप अलग लेके रखा है। और इसके अलावा हमने लिया है थोड़ी सी इलायची पाउडर, इलायची को हमने अच्छे तरीके से कूट लिया है, ये देखिए लगभग 1/2 टेबल स्पून के करीब है। इसके अलावा येलो फूड कलर, अगर आपके पास केसर है तो आप यहाँ पे केसर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमने लिए हैं थोड़े से पिस्ता, जिसे हमने गर्म पानी में 1 से 2 घंटे तक भिगो के रखा था, ये अच्छे तरीके से फूल गए हैं। अब इनके छिलकों को हम ईजिली निकाल सकते हैं, तो इन छिलकों को हमें निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम शुगर सिरप रेडी करेंगे, तो 1/2 कप चीनी लेंगे और इसमें 1 कप पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ और यहाँ पे हमने शुगर सिरप रेडी होने के लिए शुगर रख दिया है, पानी डाल दिया है, इसे उबलने तक हम इसका वेट करेंगे और तब तक हम यहाँ पनीर तैयार कर लेते हैं। तो ये जो हमारा छेना है इसे हमें अच्छे तरीके से मसल लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है इन्हें। जब हम मसलेंगे तो ये बिल्कुल क्रीमी हो जाएंगे। तो चलिए इन्हें अच्छे तरीके से हम मसल लेते हैं। इस छेने में आप राजभोग बनाने के लिए अरारोट या कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, सिंपल से छेना से ही हम आज इस रोज राजभोग को तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में आज हम राजभोग तैयार कर रहे हैं, हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। और ये मिठाई ऐसी है कि इसे आप व्रत में भी बना के खा सकते हैं। बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं तो इन त्यौहारों में आप राजभोग ज़रूर बना के ट्राई करिए। बहुत ही कम सामान, सस्ते में, बिल्कुल बाजार जैसी महंगी मिठाई आप घर में तैयार कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसे आप अपने व्रत वाले दिन भी बना सकते हैं। और ये देखिए हमारी चीनी अच्छे तरीके से घुल चुकी है पानी में और ये उबल भी रहे हैं, थोड़ी देर तक हम इन्हें उबालेंगे। और इस चाशनी को हमें तब तक पकाना है जब तक कि इनमें हल्का चिपचिपापन ना हो जाए, यानी एक तार की तरह ना बनने लगे, तब तक हम इसे पकाएंगे। तो अभी हम इन्हें थोड़ी देर तक और पकाएंगे। तो अब हम अपनी चाशनी को एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखिए, और एक तार की तरह इनमें बनना शुरू हो चुका है, चिपचिपा भी हो गया है। तो और ज़्यादा नहीं पकाना है आपको इन्हें, लगभग हमने 5 से 7 मिनट तक इन्हें पका लिया है। तो अब हम इसे उतार लेंगे और इस चाशनी को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर हम इन्हें 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएँ। और हम इस छेने को अच्छे तरीके से मसल मसल के बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे, ये देखिए। और राजभोग में कलर देने के लिए मैं यहाँ पे येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ 1 पिंच। आप यहाँ पे केसर के धागे भी डाल सकते हैं या फिर येलो कलर भी डाल सकते हैं। केसर को थोड़ा सा पानी या फिर दूध में भिगो के, गरम दूध या गरम पानी में, और उसके बाद आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अब इन्हें हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे
और कलर डालने के बाद आप देख सकते हैं इनका कलर येलो हो गया है। अगर आपके पास येलो फूड कलर नहीं है तो इसके जगह पे आप हल्दी पाउडर भी थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास इलायची पाउडर है, इसमें हम इस तरीके से पिस्ते डालेंगे, इन्हें छील के, इनके छिलकों को हटा के। हमने इन्हें 2 घंटे तक पानी में भिगो के रखा था, जिससे इनके छिलके आसानी के साथ उतर जा रहे हैं, ये देखिए। तो इन्हें हम एक जगह इकट्ठा करते जाएंगे, बहुत ही ईजिली ये छिलके हट जा रहे हैं पिस्ते के। इससे हम स्टफिंग करने वाले हैं, तो ये देखिए इन्हें हम साइड में रखते जाएंगे। और दूसरी ओर हम एक चौड़े तले मुँह का भगोना या कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इसमें फिर से हमें चाशनी तैयार करनी है, तो 1 कप मैंने यहाँ पे डाल दिया है चीनी पाउडर, सॉरी चीनी, और इसी कप से मैं ले रही हूँ यहाँ पे पानी। 1 कप चीनी और 2 कप पानी हमने डाल दिया है। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और चाशनी को तैयार करेंगे, तो इन्हें उबलने देते हैं। और ये है हमारे पिस्ते और इलायची पाउडर, इन्हें अच्छे से इस तरीके से हम मिला लेंगे। और अब हमें स्टफिंग करनी है, ये देखिए इस तरीके से। तो इन्हें हम यहाँ पे रख लेते हैं, और इनमें से हम किसी चम्मच या किसी भी छोटे से कलछी, कुछ भी आप ले सकते हैं, जितने बड़े बड़े आपको तैयार करने हैं आपके राजभोग, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इन्हें इस तरीके से बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं, ताकि ये साइज़ में बिल्कुल एक ही साइज़ के हों, छोटे बड़े नहीं हों। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हमने अपने मिश्रण को पूरे 8 बराबर भागों में बांट दिया है, यानी 8 राजभोग हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। और सब में से हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेंगे, ये देखिए, और इसके अंदर हमें स्टफिंग करनी है, ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें मैं ये थोड़े से इलायची के दाने और 1 पिस्ता लूँगी, और इन्हें अच्छे तरीके से कवर कर देंगे ऐसे, ये देखिए बहुत ही ईजिली कवर हो जाएंगे ये, और इन्हें हम अलग रखते जाएंगे। तो बस सेम तरीके से हमें सारी स्टफिंग तैयार करनी है अपनी, ये देखिए, और अच्छे से इन्हें हम कवर करेंगे और फिर साइड में रख लेंगे। तो सेम तरीके से सब में से हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अपना मिश्रण लेते जाएंगे और स्टफिंग ऐसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरी 8 गोलियाँ अपनी तैयार कर ली हैं, और अब हम इन्हें इस तरीके से इनके अंदर भरेंगे, यानी स्टफिंग करेंगे इन बॉल्स की हम इसके अंदर। तो ये लीजिए ऐसे, और अब हम इसमें बीच में अपने स्टफिंग डालेंगे, और फिर हम इन्हें ऐसे कवर कर देंगे। बहुत ही इजी ये तैयार हो जाएंगे, बहुत ही हल्के हाथों से हम इन्हें इस तरीके से देखिए घुमा रहे हैं, ये देखिए, और स्टफिंग अंदर चली गई है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। और बहुत ही चिकने चिकने हमारे ये छेने के बॉल्स तैयार हो रहे हैं, ये लीजिए। तो सेम तरीके से हमें सारे बॉल्स तैयार करने हैं, और अब हम इन्हें साइड में रखते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इन्हें साइड में रख रही हूँ, और बस इसी तरीके से हम सारा अपना तैयार कर लेंगे राजभोग। राजभोग के साइज़ थोड़े बड़े बड़े होते हैं, इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा लिया है अपना मिश्रण। बाकी अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा भी बना सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अंदर स्टफिंग में केसर के धागे डालना चाहते हैं, या फिर कोई ऑरेंज या फिर रेड कलर, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है पूरी तरीके से। और ये देखिए यहाँ पे सारी स्टफिंग हो चुकी है बहुत ही अच्छे तरीके से, और ये हमारी चाशनी भी अच्छे तरीके से पक रही है। तो इसमें हम अपने सारे बॉल्स एक एक करके डाल देते हैं। और इस तरीके से झाग होने चाहिए आपके जो राजभोग हैं इनके ऊपर। तो सेम तरीके से आपको उबालना इन्हें कम से कम 15 से 20 मिनट तक, और बीच बीच में आप इन्हें चला भी सकते हैं। तो इन्हें डायरेक्टली इस तरीके से नहीं चलाना है आपको, इस तरीके से आप कलछी से इन्हें चला सकते हैं। और साइड में आप थोड़े से गर्म पानी करके रख लीजिए, क्योंकि बीच बीच में इनमें हम थोड़े थोड़े गर्म पानी डालते जाएंगे, जिनसे ये बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल हलवाइयों जैसे तैयार होंगे।
और फ्लेम को हाई ही रखना है, लो नहीं करना है। और इस तरीके से झाग बिल्कुल बना हुआ होना चाहिए। और बीच बीच में थोड़ा सा हम गर्म पानी डाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से झाग में इन्हें हमें पकाना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से इन्हें आपको पका लेना है। पकते पकते चाशनी हल्की सी गाढ़ी हो जा रही है, तो इसके लिए हम यहाँ पे थोड़े से गर्म पानी डाल देंगे। तो पूरे 20 मिनट तक हमने इन्हें पका लिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और ये जो हमने ठंडी चाशनी रखी थी फ्रिज में ठंडा होने के लिए, इसमें अपने सारे राजभोग को डाल देंगे। और 2 घंटे तक हमने अपने राजभोग को फ्रिज में रखा था, इसके बाद हमने इसे निकाला है। बिल्कुल ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा दिख रहा है खाने में, ये बहुत ही टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए इन त्योहारों में, और अपने कमेंट हमें ज़रूर बताइए। ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इस टेस्टी से राजभोग को आप बिल्कुल भी बनाना मिस मत करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप देखें तो ये राजभोग बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे तैयार हुए हैं। बिल्कुल इस तरीके से निचोड़ने पे इनके सारे रस निकल जा रहे हैं, और शीरे में डालने पे ये बहुत ही अच्छे से चाशनी को अपने अंदर इस तरीके से ये देखिए सोख ले रहे हैं। तो ये बिल्कुल बाजार जैसे तैयार हुए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही स्पंजी, बहुत ही टेस्टी ये राजभोग तैयार हुआ है। तो आप इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।